CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम अंगूर खट्टे हैं। आलेख मधुपंत का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी। बच्चों, कौवे और लोमड़ी की कहानी तो तुम सबने सुनी ही होगी। कौन सी कहानी? अरे वही जिसमें लोमड़ी ने कौवे से कहा था कि कौवे तुम बड़ा अच्छा गाना गाते हो, और कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, लोमड़ी मुंह से गिरा रोटी का टुकड़ा लेकर भाग गई। हाँ हाँ, मुझे याद है, मैं सुनाऊं? हाँ सुनाओ। एक कौवा था और एक थी लोमड़ी। एक दिन कौवे को कहीं से रोटी का एक टुकड़ा मिला। उस रोटी के टुकड़े को लेकर वो एक पेड़ पर बैठ गया। उसी समय वहाँ एक लोमड़ी आई। वो लोमड़ी बड़ी चालाक थी। वो सोचने लगी किसी तरह कौवे से रोटी ले ली जाए, और उसने कौवे से कहा, कौवे भाई, आहा, तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है। तुम्हारी मीठी मीठी आवाज सुने बहुत दिन हो गए हैं। कौवे भाई, आज अपनी मीठी मीठी आवाज में गाना सुना दो ना। अपनी तारीफ सुनकर कौवा तो बहुत खुश हुआ। वह खुशी खुशी गाने लगा, काँ, 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 काँ। और जैसे ही उसने गाने के लिए अपना मुंह यानी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा चोंच से नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी ने झट वह टुकड़ा उठाया और भाग गई। हाँ भाई, कहानी तो यही है, लेकिन ये कहानी जरा पुरानी हो गई है और मेरी कहानी है नई। कैसी कहानी? सुनोगे नई वाली कहानी? हाँ हाँ, हम सुनेंगे। अच्छा तो सुनो, इस कहानी में भी कौवे को एक रोटी का टुकड़ा मिल गया था। कौवा रोटी लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। इतने में आई लोमड़ी, तो उसने कौवे से कहा, बहुत दिनों से सुना नहीं है कौवे तेरा मीठा गान, आज सुना दे मीठी मीठी कौवे भैया अपनी तान। हाँ तो तुम भी बताओ, लोमड़ी ने क्या कहा? बहुत दिनों से सुना नहीं है कौवे तेरा मीठा गान, आज सुना दे मीठी मीठी कौवे भैया अपनी तान। हाँ, लेकिन ये कौवा पहले वाले कौवे की तरह बुद्धू नहीं था। कौवा अपनी तारीफ सुनकर खुश तो बहुत हुआ और गाना सुनाने को भी तैयार हो गया, लेकिन उसे उस पहले वाले कौवे की गलती याद थी, उसने वो गलती नहीं की। तो फिर कौवे ने क्या किया? उसने गाना सुनाने के लिए पहले चोंच में पकड़ी हुई रोटी को अपने पंजे में पकड़ लिया, फिर वो आराम से इस तरह बैठ गया कि रोटी नीचे न गिर पाए, और फिर गाने लगा, का 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 का, पा रे गा मा पा, का का का।
कौवा गा चुका तो उसने पंजे में पकड़ी हुई रोटी का टुकड़ा खाना शुरू कर दिया। और लोमड़ी? लोमड़ी बेचारी देखती ही रह गई। जब उसे रोटी नहीं मिली तो उसने मन ही मन कहा, चलो अच्छा हुआ जो रोटी नीचे नहीं गिरी, इतनी सूखी सी पत्थर की तरह कड़ी रोटी थी, उसे खाने में तो मेरे दांत ही टूट जाते। अच्छा बच्चों, अगर लोमड़ी को वो रोटी मिल जाती तो क्या वो उसे छोड़ देती? नहीं, कभी भी नहीं। वो तो रोटी खाना ही चाहती थी, तभी तो उसने कौवे से गाना सुनाने को कहा था। तो फिर उसने ये क्यों कहा कि रोटी सूखी है? इसलिए कि उसे रोटी मिल ही नहीं पाई थी। ऐसा तुम लोग भी कभी कभी कहते हो ना, जब कोई चीज नहीं मिलती तो अपने मन को तसल्ली देने के लिए कोई बहाना ढूंढ लेते हो, है ना? इसी तरह इस लोमड़ी ने भी अपने मन को बहलाने के लिए रोटी को सूखी और कड़ी बतला दिया। और तुम्हें मालूम है, इस तरह की बात पहले भी एक लोमड़ी कह चुकी थी। जब उसे अंगूर खाने को नहीं मिले तो उन्हें खट्टा कह दिया। क्या ये भी कोई कहानी है? हमें सुनाइए ना। हाँ, ये है तो कहानी ही। अच्छा, तो ये कहानी एक गीत में सुनाता हूँ। एक लोमड़ी थी चालाक, पहुंची जहाँ एक था बाग। एक लोमड़ी थी चालाक, पहुंची जहाँ एक था बाग। कैसी थी लोमड़ी? चालाक। हाँ तो, एक लोमड़ी थी चालाक, पहुंची जहाँ एक था बाग। एक लोमड़ी थी चालाक, पहुंची जहाँ एक था बाग। घूमी इधर उधर सब ओर, पेड़ों में चिड़ियों का शोर। ची 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 ची, चू 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 चू, खूब लोमड़ी घूमी यूं, भाई खूब लोमड़ी घूमी यूं। आगे बढ़ी तभी एक दिखी, अंगूरों की लता सरीखी। देखा लटक रहे अंगूर, गुच्छे थे रस से भरपूर। देखा लटक रहे अंगूर, गुच्छे थे रस से भरपूर। तो क्या देखा लोमड़ी ने? अंगूर के गुच्छे, रस से भरे अंगूर के गुच्छे। उन्हें देख कर जी ललचाया, उसके मुंह पानी भर आया। और फिर लोमड़ी ने सोचा, अब खाऊं मीठे अंगूर जो मीठे रस से भरपूर। अब खाऊं मीठे अंगूर जो मीठे रस से भरपूर। मजा आ गया, मजा आ गया, खुशी मनाओ, मजा आ गया। देखा कहीं नहीं है माली, खूब बजाई उसने ताली। देखा कहीं नहीं है माली, खूब बजाई उसने ताली। लेकिन जब लोमड़ी अंगूर की लता के पास पहुंची तो आगे क्या देखा? क्या देखा? देखा ऊंची डाल लगे अंगूर, उसकी पहुंच बहुत थी दूर। ऊंची डाल लगे अंगूर, उसकी पहुंच बहुत थी दूर। सोचा ऊंची उछलू पहुंचू, अंगूरों तक मैं झट पहुंचू। बोली
कभी एक दो तीन उछली कहते ही वो तीन। अरे ये क्या हुआ, वो तो नीचे गिरी धड़ाम से, चोट भी लगी और अंगूर भी नहीं मिले। उसने अब फिर सोचा, अब के ऊंचा मैं उछलूंगी, अब के ऊंचा मैं उछलूंगी और जोर से मैं लपकूंगी, अब की ऊंचा मैं उछलूंगी और जोर से मैं लपकूंगी। तो लोमड़ी ने क्या सोचा, अब की ऊंचा मैं उछलूंगी और जोर से मैं लपकूंगी। हाँ, उसने सोचा, अब की ऊंचा मैं उछलूंगी और जोर से मैं लपकूंगी। अब तो झट पाऊं अंगूर, मैं झटपट खाऊं अंगूर। फिर से कहा एक दो तीन, फिर उछली कहते ही तीन, और एक बार फिर गिरी लोमड़ी गिरी धड़ाम, मोच खा गई उसकी टांग। बार बार वो फिर फिर उछली गिरी, हमेशा जब जब उछली, पा न सकी जब वो अंगूर, बोली खट्टे हैं अंगूर। खा न सकी जब वो अंगूर, बोली खट्टे हैं अंगूर, भाई बोली खट्टे हैं अंगूर। लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिल पाए तो उसने क्या कहा, अंगूर खट्टे हैं। अच्छा, ये कहानी तो मैंने गाने में सुनाई, अब जरा तुम मुझे पूरी कहानी तो सुनाओ। एक थी लोमड़ी, एक दिन वो बाग में पहुंची, वहां उसने एक अंगूर की लता देखी, उसमें अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। लोमड़ी ने सोचा कि मैं भी अंगूर खाऊं। वो अंगूर खाने के लिए उछली, लेकिन अंगूरों तक पहुंच ही नहीं पाई। वो बार बार उछली, फिर भी अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई। जब उसे अंगूर नहीं मिले तो वो कहने लगी, अंगूर खट्टे हैं, और ये कहती हुई चली गई। अच्छा, ये बताओ कि लोमड़ी ने ये क्यों कहा कि अंगूर खट्टे हैं? क्योंकि उसे अंगूर मिल ही नहीं पाए थे। अगर लोमड़ी को अंगूर मिल जाते तो क्या वो उन्हें खा लेती? हाँ हाँ, जरूर खाती। अब एक सवाल और है, जरा सोचना और सोचकर गुरुजी को बताना। वो ये है कि जब लोमड़ी ने अंगूर चखे ही नहीं थे तो उसे ये कैसे मालूम पड़ा कि अंगूर खट्टे हैं? प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।